आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौम में खबरें। पाकिस्तानी रूह अफजा हिंदुस्तान में नहीं फरोख्त किया जा सकता, दिल्ली हाई कोर्ट का अमेजोन को हुक्म। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी के मुकदमे की समाअत के दौरान अमेजोन इंडिया को पाकिस्तानी साख्ता रूह अफजा फरोख्त करने से रोक दिया है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया हमदर्द दवाखाने ने हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि अमेजोन इंडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी साख्ता रूह अफजा फरोख्त करने से रोका जाए। हमदर्द दवाखाने के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफजा भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कम्युनिटीज रूल्स 2011 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की दफात पर अमल नहीं करती। दलाल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के हक में मुस्तकिल हुक्म जारी कर दिया। पीएम मोदी और ऋषि सुनक की एक मुलाकात और बन गई बात। अब हर साल 3000 हिंदुस्तानियों को यूके का मिलेगा वीजा। बरतानिया और हिंदुस्तान साल 2023 में यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे और इसके तहत हर साल 3000 हिंदुस्तानी नौजवानों को बरतानिया में काम करने का वीजा मिलेगा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने चहारशंबे के रोज हिंदुस्तान के नौजवान पेशावर अफराद को हर साल बरतानिया में काम करने के लिए 3000 वीजे देने की मंजूरी दे दी है। बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान इस तरह की स्कीम से फायदा उठाने वाला पहला मुल्क है। आपको बता दें कि फैसला पीएम मोदी और ऋषि सुनक के दरमियान मुलाकात के चंद घंटे बाद ही आया है। बरतानिया के वजीर आजम के दफ्तर डाउनिंग स्ट्रीट ने एक ट्वीट में कहा कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की आज तस्दीक की गई है, जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के 3000 डिग्री याफ्ता हिंदुस्तानी शहरियों को वीजे के साथ बरतानिया में आने और काम करने की पेशकश की गई है। 2 साल की पेशकश की गई है। वाजह हो कि स्कीम के तहत बरतानिया हर साल 18 से 30 साल की उम्र के 3000 नौजवान पेशावर अफराद यानी डिग्री होल्डर्स हिंदुस्तानियों को 2 साल तक बरतानिया में काम करने की पेशकश करेगा। ये स्कीम अगले साल 2023 की शुरुआत में शुरू होगी और बाहमी बुनियादों पर होगी। गुजरात में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अगवा कर लिया। संजय सिंह ने कहा, जमहूरियत का खुलेआम घोटा जा रहा है गला। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दरमियान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी लीडरों ने दावा किया है कि बीजेपी ने सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरेवाला को अगवा कर लिया है। रियासत में आम आदमी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार ईश्वरदान गढ़वी ने ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी लीडर कंचन जरेवाला का पूरा कुंबा भी लापता है। ईश्वरदान गढ़वी ने ट्वीट किया, बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतनी खौफजदा है कि उसने गुंडागर्दी का सहारा लिया है। बीजेपी वाले कुछ दिनों से सूरत ईस्ट से इलेक्शन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरेवाला का पीछा कर रहे थे और आज वो लापता हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के गुंडे उन्हें उठा ले गए हैं। उनका खानदान भी लापता है। बीजेपी कहां तक गिरेगी? उन्होंने मजीद लिखा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतनी खौफजदा है कि उसने गुंडागर्दी का सहारा लिया है। वहीं रघु चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को अगवा कर लिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं या जमहूरियत का खुलेआम गला घोटा जा रहा है। कर्नाटका में टीपू सुल्तान के मुजवजा मुजस्मे पर तनाजा। जनूबी सूबे कर्नाटका में अपोजिशन कांग्रेस के एक रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का 100 फीट बुलंद मुजस्मा नसब करने का ऐलान किया है, जिसे उनके मुताबिक टीपू सुल्तान के दौर के साबिक दारुल हुकूमत श्रीरंगापटना या फिर दरियाए कावेरी के साहिल पर नसब किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु शहर के बानी नदा पर भू कैंप गोड़ा के 108 फीट बुलंद मुजस्मे की जुमे के रोज नकाब कुशाई की थी। रियासत के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से वाबस्ता कई शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने टीपू सुल्तान का मुजस्मा नसब करने की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत की है। हालांकि बीजेपी का एक हल्का मुजस्मे की तनसीब की तायद भी कर रहा है। ख्याल रहे कि 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जंग लड़ते हुए श्रीरंगापट्टनम में अपनी जान दे दी थी। भारतीय तारीख में उन्हें एक अजीम मुहिब वतन करार दिया जाता है। गुजरात असेंबली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त हुई जारी। बड़गाम सीट से
कल्पेश भाई सिंधिया उम्मीदवार गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल्पेश भाई सिंधिया के नाम का बड़गाम से अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। वो AIMIM के गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के दूसरे हिंदू उम्मीदवार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक वड़गाम से कल्पेश भाई सिंधिया, सिंधपुर से अब्बास भाई नोटसोला और विजलपुर से जैनब बीबी शेख उम्मीदवार होंगे। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात इंतखाबात के दौरान मुस्लिम और दलित वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस ने साल 2021 में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जानिब मई 2022 से असदुद्दीन ओवैसी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर हिली जमीन, अब अरुणाचल प्रदेश में आया जलजला, जानिए कितनी रही शिद्दत। हिंदुस्तान में एक बार फिर जमीन हिल गई है। गुज़िश्ता दिनों में दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों को हिला देने वाले जलजले ने इस बार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को झटका दिया है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के लिपाराड़ा जिले में वाकई बसर इलाके में आज सुबह 9:55 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि रिक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.7 थी और इस जलजले का मरकज बसर से जुनूब मशरकी सिमत में 10 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल इस जलजले में किसी जाने और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि लोगों ने इस जलजले के झटकों को बखूबी महसूस किया और घरों में चीजें हिलती हुई देखी। मोदी जी हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने के वायदे का क्या हुआ, राहुल गांधी ने उठाया सवाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करके मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया। मोदी के इख्तदार में आने के बाद 8 साल हो गए लेकिन उन्होंने नौकरियां तो नहीं दी बल्कि गलत तरीके से GST और नोटबंदी करके कारोबारी सनत को बंद करके करोड़ों लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, मुल्क के नौजवानों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुल्क के नौजवान मोदी से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ हैं नौकरियाँ, लेकिन मोदी खामोश हैं। ये बातें आज यहाँ मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लिफ सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9995902378। 9995902378। 9581528002। 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.